हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। मैं नवनीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेट 4। इससे पहले हम 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपने वो अटैम्प्ट किया होगा। अगर अटैम्प्ट नहीं किया था, आप अभी उस पर जाइए और उसको अटैम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये जो एग्ज़ाम्स है, जैसे रेलवेज, SSC, MTS, CHSL, CGL, उसको ध्यान में रखते हुए जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिलेट लेके ये एक सेट बनाया गया है। तो मैं एक एक करके आपसे अभी सारे क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक डिसलाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पिरामिड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ध्यान से आंसर इसका आप दीजिएगा। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है वाटर वेपर, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपका वीडियो को पॉज करके वहाँ पर एक एक अपना स्कोर लिखते जाएँ, और लास्ट में जब आपका टोटल हो जाए तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप टॉप 30, आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो आपसे इसको आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप आपको बता देता हूँ, वो इसका आंसर है डी, तो ये नाइट्रोजन है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी जापान। तो इसमें पूछा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो किस देश में पहली बार आया था, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ वो है ब्रिटेन। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था वो मैग्ना कार्टा के साथ आया था ब्रिटिश में, जब मोनार्की थी तो 1215 AD में। तो आप मैग्ना कार्टा की डेफिनेशन और या मैग्ना कार्टा क्या है आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से होता रहे। क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी वाटर शेयरिंग इज ए डिस्प्यूट बिटवीन। जो आपको पता होगा काफ़ी ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी या हॉट टॉपिक रहता है ये हमेशा, और इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। तो इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, कावेरी वाटर शेयरिंग जो है वो एक किन दो राज्यों के या इनमें से किन राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है। ऑप्शन ए है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु कर्नाटका, ऑप्शन डी कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई बार क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ के स्टेट से पूछा जाता है। ऑप्शन ए आपने देखा यहाँ पे कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ऑप्शन डी कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जो ये वाटर शेयरिंग हुई थी कावेरी रिवर की, ये काफ़ी एक पुराना टाइम से इनका दो स्टेट्स कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो एक डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो चलता आ रहा है। तो जो इसका जो जेनेसिस हुआ था, जेनेसिस वो हुआ था 1892 में और 1924 में, जब मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच में एग्रीमेंट्स हुए थे, तो उस वक्त से ये एक डिस्प्यूट चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉपर डिस्क हैज़ ए होल, इफ़ द डिस्क इज हीटेड द ही साइज ऑफ द होल इंक्रीजेस। ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसमें पूछा गया कि अगर कॉपर की एक डिस्क है और उसके अंदर एक होल है, अगर उस डिस्क को हीट किया जाता है तो जो वो होल का साइज है, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइज उसका बढ़ जाएगा। जब मेटल प्लेट को, जिसके एक सर्कुलर होल होता है, उसको जब हीट किया जाता है, जो उसके सेंटर में होल होता है, तो उसका जो एरियल एक्सपेंशन होती है प्लेट की डायमीटर की, तो जो उसका सर्कुलर होल होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन साइंस से था, जो आर्ट्स हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको ऐसे क्वेश्चंस में इश्यू आते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, वो बिल्ड खजुराहो टेम्पल। तो क्वेश्चन ये है कि जो खजुराहो टेम्पल हैं वो किन्होंने बनाया है इनमें से। ऑप्शन ए है पाला किंग्स, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है जैना मॉन्ग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन डी चंदेला किंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, चंदेला किंग्स।
और जो ये मोस्टली जितने खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो बिल्ड किए गए थे 1950 AD से लेके 1050 AD तक चंदेला डायनेस्टी के दौरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कोई भारत की एक कौन सी भाषा जो क्लासिकल नहीं है। ऑप्शन ए ओडिया, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी पाली। जो करेंटली है वहाँ पे 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है इंडिया में, या उनका स्टेटस जो है वो क्लासिकल दिया हुआ है। एक तो है तमिल जिसको डिक्लेयर किया गया था 2004 में, संस्कृत जिसको डिक्लेयर किया था 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, और मलयालम 2013 एंड ओडिया 2014 में। आप क्लासिकल जो लैंग्वेज है उसकी डेफिनेशन एक कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों के हिस्ट्री के अच्छे से नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 7, वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें से किसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की जो डिस्कवरी की थी। तो ऑप्शन ए है फ्लोरेंस रैना सेबिन, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी वैन ल्यूवेनॉक, ऑप्शन डी अर्नस्ट हेनरिक वेबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी विलियम हार्वे। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने करेक्टली डिस्क्राइब किया था ब्लड के सर्कुलेशन को बॉडी के अंदर कि वो कैसे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। ये तो बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन हमेशा रहता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें पूछा गया जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसने डेवलप किया था, और ये मेरे हिसाब से हर कॉमर्स के बच्चे को पता भी होगा। तो ऑप्शन ए इसमें है अमर्त्या सेन, ऑप्शन डी बी है इसमें फ्रेडमैन, ऑप्शन सी महबूब उल हक, ऑप्शन डी मोंटेक सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी महबूब उल हक। जो इस पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक, इन्होंने HDI बनाया था 1990 में, जो फर्दर यूज किया गया था मेजर करने के लिए किसी कंट्री की डेवलपमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक लंग डिजीज अकर्स इन पीपल वर्किंग इन। तो आई होप आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, ये पहले न्यूज़ में भी रहता था और आपको काफ़ी बुक्स में जब भी आप ये पढ़ते हो तो आपको इसके मेंशन मिलता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कोल माइंस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंडस्ट्री, ऑलवेंट ऑप्शन डी है इसका पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोल माइंस। जो कोल माइन वर्कर्स होते हैं तो उनके अंदर एक ये बीमारी होती है जिसको ब्लैक लंग डिजीज बोला जाता है, या ब्लैक लंग भी बोला जाता है, और ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल डस्ट के कारण होती है। जब वो काफ़ी टाइम तक उनकी जो छाती में या उनके जो लंग्स में है वो कोल की जो डस्ट चली जाती है, तो उसके बाद जो है उसको बीमारी हो जो हो जाती है उसको बोला जाता है ब्लैक लंग डिजीज़। और ये काफ़ी कॉमन है कोल माइनर्स में और जो कोले के साथ काम करते हैं, कोल के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिस्टार्टिंग द सिस्टम व्हेन इट इज़ ऑलरेडी पावर्ड ऑन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर कोई मेरे हिसाब से करता है आज के टाइम पे, सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हैं। तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक रिस्टार्ट जो सिस्टम को कर देता है जबकि वो ऑलरेडी ऑन होता है, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए कोल्ड बूट, ऑप्शन बी हॉट बूट, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग बूट, ऑप्शन डी वॉर्म बूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी वॉर्म बूट। जो एक वॉर्म बूट होता है इसको सॉफ्ट बूट भी बोलते हैं, ये स्टार्टिंग की प्रोसेस को बोला जाता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। क्वेश्चन 11, द गोल्डमैन प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1989 बाई रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन, इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। इसमें पूछा गया जो गोल्डमैन प्राइज है जो 1989 में दिया जाना स्टार्ट हुआ और जो कि रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन ने स्टार्ट किया था, वो किस फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है एनवायरनमेंट। जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है एक ये एनुअली अवॉर्ड किया जाने वाला प्राइज है जो कि ग्रास रूट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें जो है इसमें अलग अलग जियोग्राफिक रीजन चुने जाते हैं, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप,
आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशंस हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज़। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए है हीराकुंड डैम, ऑप्शन बी है भाखड़ा डैम, ऑप्शन सी है कोसी डैम, ऑप्शन डी नागार्जुन डैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हीराकुंड डैम। जो हीराकुंड डैम है ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है अर्थ कंक्रीट मसूनरी का। 10 किलोमीटर ये पड़ता है सांबलपुर के नॉर्थ में और ये लॉन्गेस्ट मेजर अर्थन डैम इंडिया में है, जिसकी मेजरमेंट है 25.8 किलोमीटर, जिसमें डाइक्स एंड स्टैंड अक्रॉस द रिवर महानदी के वो शामिल हैं। तो आप मुझे इसमें बताइए कि कौन से स्टेट में है ये पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर। तो इसमें हमें बताना है कि जो सिक्किम को स्टेटहुड थी वो कब मिली थी, कौन सी ईयर में मिली थी। तो इसमें ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1976। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1975। 16 मई 1975, 16 मई 1975 सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था इंडिया का, और वहाँ पे जो मोनार्की थी उसको अबोलिश कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ए पेरिस्कोप वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। इसमें हमें बताना है जो पेरिस्कोप होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने काफ़ी बचपन में ये बनाया है, काफ़ी मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया। आई थिंक मुझे याद है 3rd या 4th क्लास में इस चीज़ों के बारे में हम पढ़ते थे, एक मिरर को दूसरे मिरर को आमने सामने रखते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं किस तरह की तरफ हिंट कर रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको इमेज दी गई है, काफ़ी ईजी होता है ये बनाना और पहले ये बनाया भी जाता था। आप डिस्कवरी जैसे पुराने काफ़ी सालों पहले जब आते थे तो उस पर ये चीज़ें दिखाई जाती थी, बनाने का तरीका भी बताया जाता था जो कि काफ़ी ईजी था। तो एक जो पेरिस्कोप होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि आप किसी आसपास दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको देख सको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर वहाँ पे आप जा नहीं सकते या डायरेक्टली नहीं देख सकते तो वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस से हेल्प करता है देखने में। विक्रमादित्य इज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। विक्रमादित्य को किस और नाम से जाना जाता है वो हमें इसमें से बताना है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी राणा गुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी चंद्रगुप्त टू। जो चंद्रगुप्त टू है उसको जो टाइटल है वो विक्रमादित्य है। ये एक काफ़ी पावरफुल एम्परर रहा था गुप्ता एम्पायर के दौरान नॉर्थन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 16, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कॉन्सेप्ट पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए जाने का पूछ रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है इसका चाइना, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इसका जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है चाइना। चाइना सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये लेके आया था, लेकिन इसको बाद में जो इस्टेब्लिशमेंट की थी वो एशिया में आयरलैंड और इंडिया वगैरह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूजर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर। इसमें पूछा गया है कि जो फायर एक्सटिंग्यूजर जो आग बुझाने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है पेट्रोलियम फायर के अंदर वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए पाउडर टाइप, ऑप्शन बी सोडा एसिड टाइप, ऑप्शन सी फोम टाइप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए है पाउडर टाइप, ऑप्शन बी सोडा एसिड टाइप, ऑप्शन सी फोम टाइप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है फोम टाइप होता ही। तो जो बेसिकली फायर एक्सटिंग्यूजर होते हैं फोम टाइप वाले वो क्लास और क्लास ए क्लास बी फायर्स में यूज किया जाता है। तो ये लिक्विड फायर्स जैसे पेट्रोल डीजल हैं उनके लिए ये यूज होता है। क्वेश्चन 18, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। हमें बताना है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है बेंगलोर। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन के लिए और रिसर्च की जाती है यहाँ पे साइंस इंजीनियरिंग डिजाइन मैनेजमेंट में। ये बेंगलोर में लोकेटेड है। ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1909 में की गई थी, जिसमें इसको सपोर्ट किया था जमशेद जी टाटा एंड कृष्णा राजा वाडियार 4th ने, और इसको लोकली बोला जाता है टाटा इंस्टीट्यूट।
क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द फूड सिक्योरिटी लॉ। तो किस राज्य ने कौन सा राज्य इंडिया में ऐसा है जिसने पहली बार में फूड सिक्योरिटी लॉ पास किया था? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है इसमें छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 20, नबार्ड इज ए और एन, जो नबार्ड है वो क्या है ये पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी है इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नबार्ड एक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, ये एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें इन्होंने बैंक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज, और ऑप्शन डी है इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो ASCII है उसको एब्रीवेट किया हुआ है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बताई है। ये एक करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ दी आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप आपको आर्टिफिशियल पोर्ट के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको सर्च कीजिए और मुझे बताइए कि क्या होता है। मेरे को वैसे पता है, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता चले। तो इसका जो ऑप्शन है वो है कांडला, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी मैंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 23, द टू वर्ड्स दैट वर इंसर्टेड बाई द 42nd अमेंडमेंट टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, जो भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो दो वर्ड इंसर्ट किए गए थे वो उसमें से बताने के कौन से हैं। ऑप्शन ए है सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक सॉवरेन, ऑप्शन सी है सोशलिस्ट सेकुलर, ऑप्शन डी है सेकुलर एंड रिपब्लिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। जो 42nd अमेंडमेंट आया था उसने जो डिस्क्रिप्शन है वो इंडिया का वो चेंज कर दिया था, उन्होंने कर दिया था इसको सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जबकि पहले था सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके अलावा इसमें कुछ वर्ड्स और भी चेंज हुए थे, जैसे कि यूनिटी ऑफ द नेशन को वहाँ पर चेंज करके कर दिया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 24, हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर इज, तो इसमें पूछा गया जो हीट वाटर वेपर में स्टोर होती है उसको क्या बोला जाता है। ए स्पेसिफिक हीट, बी लेटेंट हीट, सी एब्सोल्यूट हीट, ऑप्शन डी रिलेटिव हीट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होती है वो हीट होती है जो एक रिलीज या ऑब्जर्व की जाती है किसी बॉडी के द्वारा और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा ड्यूरिंग ए प्रोसेस जिसमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्वेश्चन 25, हु अमंगस द फॉलोइंग वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स, इसमें बताना है कि जो सिख हैं उनके लास्ट गुरु इनमें से कौन थे। ऑप्शन ए गोविंद सिंह, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी अर्जुन देव, ऑप्शन डी अंगद देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोविंद सिंह, ये इनके लास्ट गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है ऑप्शनल मनी का। आप ऑप्शनल मनी की डेफिनेशन वैसे मैं आपको बता दूंगा इसमें, तो ये ऑप्शन है इसमें है करेंसी नोट, बी है कॉइन्स, सी है बॉन्ड्स, डी है चेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन डी चेक। जो ऑप्शनल मनी होती है वो एक रेफर करती है नॉन लीगल टेंडर मनी का, मतलब जो एक लीगल मनी इसको घोषित नहीं किया हुआ है लेकिन लोग उसके उस पर एक स्टैचुटरी वे पे उसको यूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज ए पेमेंट, तो सेटलमेंट्स के लिए कैश ट्रांजेक्शन के लिए। तो आपने देखा होगा जगह जगह लोग चेक से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तो वो एक लीगल टेंडर नहीं है, कि ऐसा नहीं कि उसको RBI अलग से कुछ करता है, वो एक ऑप्शनल मनी है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। हमें इसमें से बताना है कि कौन सी प्रोसेस है जो प्रोसेस में दी गई है जिसका यूज किया जाता है बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए है ट्रांसएमिनेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसएस्टरीफिकेशन, ऑप्शन डी है ट्रांसक्रिप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी ट्रांसएस्टरीफिकेशन। जो ये प्रोसेस होती है इसमें केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है कन्वर्जन के लिए, फैट जो ऑयल के अंदर होते हैं उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द कंट्री हुज पोस्टेज स्टैम्प डू नॉट बियर इट्स नेम। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पोस्ट स्टैम्प पे उस कंट्री का नाम नहीं आता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी UK। UK एक सिर्फ ऐसा एक कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने अपना पोस्ट टाइम से नाम हटा रखा है और वहाँ पे सिर्फ उसके जो मोनार्क है रेनिंग मोनार्क उसके फ़ोटो उसके ऊपर होती है एज ए कंट्री के आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन 29, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाई द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड वॉज। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिसको इम्पीच करने की हाउस ऑफ कॉमन्स में कोशिश की गई या इम्पीच किया गया था। तो ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है कॉर्नवेल्स, ऑप्शन सी है वेरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है वेल्सले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी वेरन हेस्टिंग। तो जो इम्पीचमेंट की कोशिश की गई थी वेरन हेस्टिंग की, वो एक फील्ड अटैम्प्ट था 1788 से लेके 1795 में। तो उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो ये था कि एक तो वो मिसकंडक्ट करते हैं जब वो कलकत्ता में थे, और दूसरा उनका था कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया था और वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट इंसान थे। ये उनके ऊपर जो थे वो उस टाइम पे एक्यूजेशंस थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 30, विच इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो कंट्री है वो प्लूरल एग्जीक्यूटिव की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है इसमें USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है इसमें स्विट्जरलैंड। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये एक यूनिक फीचर है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोवाइड करता है कोलेजियल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन स्विट्जरलैंड। तो इसमें होता क्या है कि जो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं फेडरेशन की, वो एक 7 मेंबर फेडरल गवर्नमेंट है वो उसको एक्सरसाइज करती है। ऑल द 7 जो मेंबर्स होते हैं वो कलेक्टिवली सारी जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो आई होप आपने ये पूरा सेट ईमानदारी से पूरा अटैम्प्ट किया होगा और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो अभी आपके नोन हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक कीजिए। अगर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।